नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 8 प्रो वर्सेस मोटो ई 22s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Spark 8 Pro में 6.65 इंच जबकि Moto E22s में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Spark 8 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Spark 8 Pro में 3.02 इंच जबकि Moto E22s में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Spark 8 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Spark 8 Pro में 0.35 इंच जबकि Moto E22s में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Spark 8 Pro में 196 ग्राम जबकि Moto E22s में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Spark 8 Pro में 20:5:9 जबकि Moto E22s में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Spark 8 Pro में 6.8 इंचेस जबकि Moto E22s में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Spark 8 Pro में 1080x2460 और Moto E22s में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Spark 8 Pro में 84.73% जबकि Moto E22s में 83.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Spark 8 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Moto E22s में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Spark 8 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और Moto E22s की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Spark 8 Pro में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Moto E22s की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Spark 8 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Moto E22s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Spark 8 Pro में माली G52MC2 जबकि Moto E22s में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Spark 8 Pro में MediaTek Helio G85 और Moto E22s में MediaTek Helio G37 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Spark 8 Pro में अप टू 512GB जबकि Moto E22s में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Spark 8 Pro में Android V11 जबकि Moto E22s में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Spark 8 Pro में 4 कलर्स जबकि Moto E22s में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Spark 8 Pro 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 9699 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Moto E22s की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 8999 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क 8 प्रो में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें मोटो E22S की तो उसमें 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में स्पार्क 8 प्रो आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में स्पार्क 8 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G22 4G है, दूसरा पोको M4 Pro है, तीसरा नोकिया G21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A4 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।